गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 9A को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन की ये फिगर दे रखी है बेटे आपको, गिवन है। इन द गिवन फिगर BE एंड CF आर इक्वल ऑर्टिट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ये परपेंडिकुलर्स हैं, ऑर्टिट्यूड मतलब परपेंडिकुलर्स हैं और बोथ आर इक्वल। एंड शो करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के, और सेकेंड पॉइंट है AB इक्वल AC। नाउ सी हाउ वी डू द सॉल्यूशन। देखिए, गिवन आपको ट्रायंगल ABC, CF परपेंडिकुलर AB, BE परपेंडिकुलर AC, BE आर इक्वल है CF के, और ये दो पॉइंट्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रूव करने हैं। पहले इनर ट्रायंगल ABE लेंगे और ट्रायंगल ACF लेंगे। देखिए, ये 90 है, ये 90 है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये साइड साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए, एंगल A बराबर A कॉमन है, ठीक है, एंड एंगल AEB इक्वल AFC 90 डिग्री है ये दोनों। देखिए, ये 90 है और यहाँ पे ये 90 दे रखा है, ठीक है, एंड BE इक्वल CF ये आपको गिवन है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो सब कुछ इक्वल हो जाता है। सेकेंड पार्ट, AB इज़ इक्वल टू AC होगा CPCT क्रॉसफॉर्निंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 6 की ये फिगर दी है बेटे, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन 6 है क्या। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये और ये दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, एंड द वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट E, AD को आगे बढ़ाएंगे तो वो E पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये सारे आंसर्स देने हैं। ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, ABE कॉन्ग्रेंट है ACE के, AE एंगल A और D दोनों को बाइसेक्ट करती है, AE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ये सारे क्वेश्चंस आपको इनके आंसर्स प्रूव करने, देखिए कैसे करेंगे। नाउ गिवन है आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC और DBC ऑन द सेम बेस BC। अब देखिए, फर्स्ट प्रूव करना है हमें, देखिए कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, AB इज़ इक्वल टू AC है क्योंकि ट्रायंगल आइसोस्केलस है ABC, AD इज़ इक्वल टू AD कॉमन है, देखिए ये इसके बराबर है, ये कॉमन है और ये इसके बराबर है क्योंकि ये भी ट्रायंगल आइसोस्केलस है, ठीक है। तो देखिए, BD इज़ इक्वल टू DC क्योंकि ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइडें इसके तीनों साइडों के इक्वल है, तो बाय साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इसको आप BAE भी लिख सकते हैं और इसे आप CAE लिख सकते हैं, इसे हम नंबर 1 डाल देंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल ACE, AB इक्वल टू AC हमको दिया है, आइसोस्केलस ट्रायंगल इसलिए है, ये दो एंगल बराबर हैं फ्रॉम 1 से, AE इक्वल AE है क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आगे देखिए, एंगल BDE यानी BDE यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा CPCT से, और ये इसके बराबर है DEB, DEB इक्वल हो जाएगा DEC के, इसे हम नंबर 2 डाल रहे हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है, एंगल BAE इक्वल है CAE के, या एंगल BDE इक्वल है एंगल CDE के, ठीक है, तो इसका मतलब AE A और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। देखिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये जो AE लाइन है ये इसको और इसको
क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ए और डी एंगल को बाइसेक्ट करती है। फोर्थ पार्ट है ए ई बी और ट्रायंगल ए ई सी में इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, और दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। सो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल है 180, लीनियर पेयर है। देखिए ए ई बी और ए ई सी इन दोनों का सम क्या है, 180, ठीक है, दोनों इक्वल है, हमने x मान लिया। सो x प्लस एक्स इसका टू 180, 2x इसका टू 180, x की वैल्यू आ गई 90। इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 के हैं, इसका मतलब ए ई बी सी पर परपेंडिकुलर है। और BE इक्वल EC के है फ्रॉम 3 से, यहाँ बेटा मैं लिखना भूल गई थी, बाद में लिखा है मैंने, ठीक है। सो ये इस पे परपेंडिकुलर भी है, इक्वल भी है, इसका मतलब A इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन 7 में आपको ये एक फिगर दे रखी है बेटा, X और Y बराबर है, AB इज इक्वल टू BC है, आपको प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू CD। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपको गिवेन है और ये फिगर गिवेन है। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे इन ट्रायंगल ABE की, ये Y है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस Y, इसे हम 1 डाल देंगे। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, ठीक है, BCD की, ये X है तो ये 180 माइनस X हो जाएगा। अब X और Y इक्वल है तो 1 और 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज इक्वल में से अगर 180 में से दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल रहेगा, इसलिए बोथ एंगल विल बी इक्वल। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी बी डी में, ए बी इज इक्वल टू बी सी हमको गिवन है, एंगल बी और बी कॉमन है, एंगल बी ई ए इक्वल सी डी बी के है फ्रॉम 3 से, शो अबव, ठीक है। सो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए ई बराबर सी डी हो जाएगा, सी पी सी डी से, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फिगर दे रखी है बेटे, ठीक है, ये फिगर दी है। इन द गिवन फिगर लाइन एल इज बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल ए एंड बी, सॉरी एल बाइसेक्टर एंगल ए का एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी कोई पॉइंट है एल लाइन पर, इफ बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ए, ये और ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, तो हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी के, और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ सीधा सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखें गिवन है एल इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पर, बी पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, ठीक है, और ये हमें दोनों चीजें प्रूफ करनी है। इनर ट्राइंगल ए बी पी ए पी बी एंड ए क्यू बी, एंगल बी पी ए इक्वल एंगल बी क्यू ए 90 डिग्री है, चूंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। बेटा हमें ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था और ये बाद में, ठीक है, आप जब कॉपी पे कॉपी करोगे तो इसके बाद इस पॉइंट को लिखना फिर ये लिखना। एंड बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉमन है, एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल बी ए क्यू के, क्योंकि लीनियर बाइसेक्टर है, सॉरी लाइन एल बाइसेक्टर एंगल ए का, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। नाउ ए पी बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए क्यू बी के, इसलिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के होगा, सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी एंगल ए एंड सी को बाइसेक्ट करता है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए डी है और सी बी इक्वल टू सी डी है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बेटा फिगर बनाएंगे, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, ए सी बाइसेक्ट करता है, ये एंगल से एंगल के बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखिए एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, एंगल बी ए सी यानी एंगल बी ए सी
इक्वल है एंगल डी ए सी के। क्यों? क्योंकि ए सी बाइसेक्टर एंगल ए का, ए सी इक्वल ए सी कॉमन है, एंड एंगल बी सी ए इक्वल होगा डी सी ए के क्योंकि ए सी बाइसेक्टर एंगल सी का। सो एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी बी इसका टू सी डी होगा सी पी सी टी से। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन इज ओवर।